और चलिए इसी के साथ एक बड़ी जानकारी है, केजरीवाल पे अनिल विज ने निशाना साधा है और केजरीवाल को दिल्ली के लिए कुछ नहीं करना है, ये बात अनिल विज ने कही है। दिल्ली का प्रदूषण कम करने के लिए क्या किया, अनिल विज ने पूछा। दिल्ली में यमुना का पानी साफ क्यों नहीं कर सके केजरीवाल, दिल्ली में प्रदूषण खत्म करने की कोशिश ही नहीं हुई, दिल्ली में साफ पानी की दिक्कत है, ये बात भी अनिल विज की तरफ से कही गई। तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर यह हमला बोला है अनिल विज ने, और अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए उन्होंने ये बड़ी बातें कही हैं कि केजरीवाल को दिल्ली के लिए कुछ नहीं करना है, प्रदूषण को लेकर के निशाना अनिल विज ने साधा है। केजरीवाल जी खुद तो कोई काम करना नहीं चाहते, अपनी नाकामयाबियों का वो आरोप दूसरों के सिर पर मारना चाहते हैं। कभी वो छठ पूजा आ गई तो उनको याद आ जाता है कि यमुना का पानी गंदा है, उसका आरोप हरियाणा पर लगा देते हैं। प्रदूषण हो गया तो उसका आरोप हरियाणा पर के किसानों पर लगा देते हैं। ये ठीक है, प्रदूषण नहीं होना चाहिए, हम भी मानते हैं और हम प्रयास भी कर रहे हैं, और आगे से पराली जलाना किसानों ने बहुत कम भी कर दिया है। लेकिन केजरीवाल जी, दिवाली आती है तो आप कहते हो पटाखे मत फोड़ो, अच्छी बात है, प्रदूषण नहीं होना चाहिए, लेकिन बाकी 364 दिन आप दिल्ली का प्रदूषण स्तर कम करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? यमुना का पानी आप सोनीपत में नाप लो और दिल्ली में नाप लो। आप दिल्ली से जो यमुना गुजर रही है उसके पानी को साफ करने का आप क्या प्रयास कर रहे हैं? कितने एसटीपी आपने लगाए? दिल्ली से गुजरकर जो दोबारा हरियाणा में पानी जाता है, फरीदाबाद में मथुरा तक आगे जाता पानी, उस पानी की जाके हालत देख लो। इसलिए सरकारें कभी भी केवल प्रचार के बल पर नहीं चला करती, सरकारें चलती हैं काम के बल पर।